What is your Christmas plan? Are you going to open all the presents due on Christmas Day? Yeah. And mummy will bake a cake Christmas cake. मिल गया है आज खजाना, ये बंद है तो हाँ, ये क्रिसमस का स्ले बनाया हुआ है तो रायली भी अभी जाके फोटो भी खींचेगी। वाव क्या व्यू लग रहा है, ऑसम। सच में ऐसा सुंदर स्काई। माता में आए हैं और यहाँ पर ग्रोसरी देख रहे, इंडियन ग्रोसरी। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लास्ट लाइव चैनल। आज और एक ब्लॉग लेके स्टार्ट हो गई हूँ। क्रिसमस ट्री का एकदम नजारा दिखा रही हूँ आप लोग को। क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ। या इट्स नॉट विंडम, इट्स लंदन। तो चलिए आप लोग को पहले दिखा देती हूँ आज का ब्रेकफास्ट रेडी है। ये देखिए, ये इंडियन स्टाइल ग्रेवी, थोड़ा सा नूडल्स एंड थोड़ा सा स्पाइसी भी है, और इसके साथ रहेगा कॉफी। और आज मैं प्लान बता दे रही हूँ, आज जाएंगे हम लोग बहुत, ये ब्रिटेन्स बिगेस्ट कैथीड्रल, वन ऑफ द बिगेस्ट कैथीड्रल ये ब्रिटेन में। तो ये आप लोग को भी दिखाएंगे, अच्छा से ब्लॉग करके दिखाएंगे। लेकिन ये ब्लॉग अगर पहले जाएंगे तो प्रीवियस ब्लॉग में भी है मेरे चैनल में कि वो बंगाली में था, तो आज हिंदी में ब्लॉगिंग होगा, तो आज हिंदी में आप लोग देखेंगे ब्लॉग। ये बिगेस्ट कैथीड्रल दिखाएंगे, और ये सबसे बड़ी बात है, ये एकदम हम लोग के घर से नजदीक है। और एंड एक्सक्यूज फॉर माई वॉइस, हाँ थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है कोल्ड एंड काफ की वजह से, नेवर माइंड। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं और खाना पहले खा लेते हैं ब्रेकफास्ट, एंड देन वील गेट रेडी एंड गो आउट फॉर द न्यू एक्सप्लोर। कम लेट्स गो। सनग्लास पहन जा रही हूँ, कैसी लग रही हूँ देखिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसे लग रहा है मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट, मैं पहन रही हूँ। ये भी रायली भी दिखा रही है जिमी चू का डॉली, और शायद ये यहाँ से अंधेरा लग रहा होगा। तो चलिए बाहर जाके फिर ब्लॉक करते, और ये अभी जाएंगे ब्रिटेन्स बिगेस्ट कैथीड्रल इन यूके, एंड वी विल टेक यू देयर, लेट्स गो। ये रायली कितना एक्साइटेड है बाहर जाने के लिए। चलो रायली, अच्छा टेक योर मॉम। रायली देखिए कितना खुश है, चलो लेट्स गो। अच्छा देखिए घर कितना सुंदर बाहर सजाए है, क्रिसमसी वाइब्स एकदम, बहुत सुंदर लग रहा है ना। एक फोटो रायली, कम बैक कम बैक, एक फोटो भी लेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो एक फोटो ले लेते। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, और आप लोग को जाते जाते कैथीड्रल ही जा रहे हैं, तो आप लोग को भी जाते जाते जो भी अच्छा दिखेगा घर इतना सुंदर सजाए है क्रिसमस के लिए, आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और चलिए आप लोग भी देखते रहिए। तो ये ब्रिटेन्स लार्जेस्ट कैथीड्रल के पास आ गए हैं हम लोग, बाहर से आप लोग को दिखा रही हूँ, और यहाँ से वही एंट्रेंस रहेगा। एंड तो चलिए हम लोग भी चलते हैं, चलो लेट्स क्रॉस द रोड। सो वी हैव रीच्ड द ब्रिटेन्स बिगेस्ट कैथीड्रल, एंड अभी आप लोग को दिखाएंगे अंदर जाके क्या है और कितना बड़ा है और क्या सजाए है क्रिसमस के लिए, यू नो स्पेशली फॉर क्रिसमस। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी व्हाट इनसाइड इट। तो ये भी क्रिसमस का स्ले बनाया हुआ है, तो रायली भी अभी जाके फोटो भी खींचेगी। वो अंदर नहीं जाएगी, ओके। तो ये एकदम बाहर से नज़दीक से उठा रही हूँ वीडियो।
ऊपर से नीचे तक मैं दिखा रही हूँ एकदम सुंदर से ब्रिटेन्स लार्जेस्ट कैथीड्रल। तो चलिए अंदर भी आप लोग सोचते होंगे कि अंदर क्या है इसमें, तो चलिए दिखाते थी अभी। तो मुझे ये बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा लगा एकदम, मतलब ये क्रिसमस के लिए स्पेशली यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए है। ये देखिए जीसस का जो पूरा बर्थ हुआ है और आसपास में लैम्प, जो इन्वायरमेंट था एक्चुअल में वो अभी यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया है। बहुत अच्छा है, एकदम चर्च के सामने ही लगाए है, है ना। बाहर भी कितना फूलों से सजा है, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा से मतलब होता है ना, मेंटेन करता है ये कैथीड्रल एंड ये। चलो तो अभी कैथीड्रल के सामने आ गई हूँ। यहाँ पर सीढ़ी भी बनाया हुआ है और स्टेफ्री एसेस भी है। ये लेफ्ट में अगर मुड़ेंगे तो लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रैम तो हल्का है, राइडी भी अभी पैदल चल रही है, तो हम लोग मतलब ये सी से उठा लिया प्रैम। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ दरवाजा खोल के, और यहाँ पर अंदर भी सीढ़ी बनाया हुआ था, तो वैसे भी रजत और मैं ये उठा लिए प्रैम। और अंदर आके मैं एकदम मतलब अमेज हो गई हूँ, कितना सुंदर मतलब वर्क्स किया हुआ है, कितना डिटेल दिया हुआ है विंडो ग्लास में, एंड कितना ऊंचाई है देखिए एक बार, मतलब मैं दिखा रही हूँ कैमरा घुमा घुमा के, कितना ऊंचाई है, और इसीलिए बिगेस्ट कैथीड्रल इन ब्रिटेन। और मुझे बहुत अच्छा लगा और पीसफुल भी है। कैथीड्रल के अंदर आ गए हैं दिखाने के लिए, तो यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो आप लोग के खाली दिखाएंगे कैसा है अंदर। कैथीड्रल का मतलब जो है ये ले सकते हैं, ये बहुत सुंदर है। चलिए अंदर भी दिखाते हैं, बहुत लिबर भी है। ओ, कितना बढ़िया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, इतना सुंदर सजाते हैं ना ये कैथीड्रल। मतलब इसलिए मैंने मतलब ये स्टोरी में देखी थी लिवरपूल का, इसीलिए ना मुझे इतना पसंद आया। मुझे अभी लगा था कि क्रिसमस के टाइम पे जरूर से विजिट करेंगे, और वो भी भगवान की दया से हो भी गए है ना। ये कैथीड्रल के अंदर एक रियल क्रिसमस ट्री है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये एक्चुअली का क्रिसमस ट्री है जो यहाँ पे इन्होंने रखा है और ब्यूटीफुली डेकोरेट भी किया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक छोटा सा बर्ड है, तो अभी एक यहाँ लेडी थी, उन्होंने हमें
इस बर्ड के बारे में बताया कि कुछ साल पहले जब ये हर साल डेकोरेट करते हैं क्रिसमस ट्री, तो कुछ साल पहले जब ये क्रिसमस ट्री लेके आए थे तो उसके साथ एक बर्ड भी आया था, और वो 2 वीक्स कैथीड्रल के अंदर ही था, यहाँ पे जो कैथीड्रल, हाँ कैथीड्रल में जो यहाँ पे केयर टेकर्स हैं उन्होंने बर्ड को फीड भी किया, उसके बाद 2 वीक्स बाद वो बर्ड उड़ के चला गया, तो उसी के मेमोरी में हर साल ये छोटे से बर्ड सुंदर लग रहा है यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए बर्ड, ये एक्चुअल में मतलब था अंदर, मतलब इसीलिए ये क्या नाम है, रॉबिन, रॉबिन, रॉबिन। सुनो पेंटिंग उस साइड है, ऑसम, बहुत सुंदर है सच में, मतलब जब जब तक आप लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, खुद के आँख से देखेंगे नहीं, तब तक आप लोग को लगेगा यहाँ पर ड्रीम है, एक्चुअली ड्रीम ही कैथीड्रल। ये कांच का जो ग्लास ग्लास विंडो है बहुत सुंदर, जिसे मतलब होता है ना कि प्रिंट किया है, बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए और हम लोग कैथीड्रल के अंदर ही घूम रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है सच में, इट्स अलग फीलिंग ही है, तो बाहर जाके मैं बता रही हूँ।
बहुत अच्छा लगा है ना, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। क्रिसमस के लिए डेकोरेशन भी किया है और हाँ, यहाँ पे एकदम शांत अच्छा है, बहुत शांत इन्वायरमेंट है जो भी बहुत सुंदर है। और ये क्या एक मैप है, देख रही हूँ, एक मिनट आप लोग को भी दिखा रही हूँ। ये देखिए लिवरपूल का मैप आप लोग को दिखा रही हूँ, चलिए बाहर चलते फिर। अच्छा लगा सच में। बाय बाय कैथेड्रल, एक सेकेंड। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एकदम पीसफुल, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सा था फीलिंग सच में। ये मतलब जब तक आप लोग नहीं आएंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आके थोड़ा सा वो फीलिंग्स अलग ही होता है, घर मतलब मंदिर में या फिर कैथेड्रल में, चर्च में। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, होपफुली आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो ये प्लस वीडियो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम लोग लीडल में आए हैं और हाँ, ये अच्छा लगा, ग्लोब का ये मग यही लेंगे। और लीडल में अच्छा अच्छा चीज़ यहाँ पर आप लोग को दिखाऊँगी, जो जो हम लोग खरीद रहे, आप लोग भी देखते रहिए। एक लैम्प मुझे दिखाई दी यहाँ पर, हाँ ये एक सेकेंड, ये बहुत अच्छा लगा, रेनबो लावा लैम्प देखिए, ये बहुत सुंदर है ना। रायली के लिए भी कुछ ले रही हूँ, लेकिन नहीं लेंगी तो वो भी ख़राब लगेगा। प्रिंसेस मिनी स्विंग मशीन है देखिए, ये देखिए बड़ा प्रिंसेस स्विंग मशीन है। तो चलो, क्या देख रहे हो, कुछ पसंद आ रहा है? ये हीट चेंजिंग मग है, थोड़ा सा जोर, ये हीट चेंजिंग मग है, इसमें गर्म मिल्क या कॉफी या टी डालेंगे ना तो कप का कलर चेंज हो जाएगा। वाओ, दैट्स अमेजिंग। लिडल में ये अच्छा लगता है ना, लिडल में। और ये भी ले रहे हैं। और क्या ले रहे हो दिखाओ, बुक लिया है उसको पढ़ाने। और उसके एल्डर ब्रदर के लिए, रैली का, वो उसके लिए मारियो कप, मारियो कप। तो चलिए और भी दिखाते हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कैंडी कैचर। ये जो बाहर में मशीन लगा रहता है ना, ये एक्चुअली वहाँ पर है। अच्छा, व्हाट इज द लास्ट बॉक्स, ये भी नया है। We are happy to help you at another checkout. ये मुझे मिल गया है आज खजाना, ये बंद है तो हाँ, ये सेलोटे मरा हुआ यहाँ पे चिपका हुआ है। ये ज्वेलरी बॉक्स एक ही पड़ा है, मुझे ये चाहिए है कि इंडिया में ट्रैवल कर रही हूँ बहुत जल्दी, तो ये चाहिए होगा। ऊपर ज्वेलरी रखेंगे, नीचे भी कुछ रखेंगे, मेकअप आइटम्स जैसे दिख रहे हैं, घड़ी। तो ये बहुत यूजफुल है, रजत का भी है, ये रजत रखेगा वॉच बॉक्स। ये भी बहुत सुंदर है, ये लिमिटेड है, रजत का भी फिर भी कितना था, दो पीस मेरा एक लास्ट पड़ा हुआ। अच्छा हुआ सैटरडे में भाग के आई है, अच्छा अच्छा मिलता है यहाँ पर। तो चलिए ये ले लेते। तो अभी हम लोग आए हैं वो कैथेड्रल से, कैथेड्रल से घूम के थोड़ा बहुत वो बॉक्स में गई थी और फिर लिटिल में गई आप लोग देखे। तो अभी जाएंगे फिर माता, लास्ट वॉक ऑफ द डे माता में जाएंगे, थोड़ा सा इंडियन ग्रोसरी खरीदना है वहां से। तो दाल चावल थोड़ा सा मतलब खत्म हो गया हम लोग का घर में, वो सब लेंगे। वहां पर जाके पता नहीं कितना ब्लॉक करूंगी, क्योंकि वहां पर ना बहुत भीड़ रहता है। जो भी है आप लोग देखते रहिए। और फिर अभी मैं कोट चेंज करूंगी, क्योंकि वो बहुत महंगा वाला कोट है ना, वो कोट चेंज करूंगी। फिर आप लोग भी तब तक देखते रहिए और फिर हम लोग निकल जाते हैं। चलिए लेट्स गो। हम लोग ये सेकेंड टाइम निकल रहे हैं घर से। तो अभी माता में आए हैं और रजत भी थोड़ा बहुत हम लोग ग्रोसरी ले रहे हैं। ये क्या ले रहे हो? अच्छा अच्छा ले लो। Mango और एक लेंगे पफ्ड राइस। हम लोग माता में आए हैं और यहाँ पर ग्रोसरी देख रहे हैं, इंडियन ग्रोसरी बेसिकली यहाँ पर मिलता है। तो चलिए आप लोग को दिखा रही हूँ और क्या क्या लेंगे। तो ये छोला मिल गया स्नैक्स के हिसाब से कहेंगे। हाँ, रायली भी बहुत खुश है। अच्छा देखो मूरी था। Really? What are you doing?
गिव मी गो बनाना वी ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ एट होम अच्छा क्या ले रहे हो सर मैगी सॉस यहाँ पर मैगी का सॉस देख रही हूँ अगर देखते अगर मिल रहा है क्या या फिर नहीं आउट ऑफ स्टॉक है हाँ हाँ नो नो चिली सॉस नहीं पसंद है लोग घर पहुँच रहे थे तो घर अभी बाकी है पहुँचना लेकिन ये घर में देखे कितना सुंदर सजाए है क्रिसमस का बहुत अच्छा लगा वाव क्या व्यू लग रहा है ऑसम सच में ऐसा सुंदर स्काई पहले देखा तो है लेकिन अभी और एक बात देख रही हूँ आज बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग लॉन्ज एरिया में आए हैं और कोई नहीं है खाली हम तीनों हैं रायली देखिए रायली उस साइड रजत भी बैठा है और रायली नटक्रैकर लेकर बैठ के खेल रही है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ज एरिया में आते नहीं हैं लेकिन जब भी मतलब टाइम होता है मिलता है तब भी आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं बिजी है हम लोग है ना हम लोग बहुत बिजी है अच्छा व्हाट आर यू डूइंग विद नटक्रैकर टेल मी What are you doing with Netflix? What is your Christmas Day plan? Tell me. Mommy want to hear that. What is your Christmas plan? Are you going to open all the presents during on Christmas Day? Yeah. And Mommy will bake a cake, Christmas cake. Yeah. And we will have a nice snack. Yeah. We will... I will open the present first because then I'll eat the cake. Apple dad. Yes, it is good idea. You first open your presents, all your presents, and then we will bake a cake, okay? Show the nutcracker. Wow, wow, kitna sundar hai nutcracker. Ye bahut achcha se saja hai rakhta hai. Hai na? Nutcracker. So abhi hum log ghar ja rahe hain, pahunch rahe hain ghar. To abhi ब्लॉग या आज का ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ आई होप आप लोग बहुत एंजॉय किए मेरे ब्लॉग और प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बाय फॉर नाउ